तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो गाइज, ये मेरा नया चैनल है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माइनक्राफ्ट स्टार्ट करूँ खेलना। वैसे तो मैं खेलता ही हूँ माइनक्राफ्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पे डाला जाए। तो मैंने चैनल बनाया, आज ही चैनल बनाया हूँ और नया है। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक कर देना। तो गाइज, इस फिलहाल के लिए तो अभी तो नया घर बनाएंगे और देखते हैं कैसा बनता है घर हमारा। तो चलिए, अभी आप देख सकते हैं कि मैं लकड़ियाँ तोड़ रहा हूँ। और लकड़ियाँ तोड़ने के बाद पहले तो मैं इस जगह पे आया और देखा, तो ये मुझे जगह अच्छा लगा थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने बेड और क्राफ्टिंग टेबल रखा। अब पहले तो थोड़ा खाना खा लेता हूँ, और खाना खाने के बाद अब क्राफ्टिंग टेबल को ओपन किया और कुछ हथियार बनाया। पहले तो हथियार बनाने के लिए आपको पता है स्टिक की जरूरत होती है, स्टिक बनाया चार, और फिर उसके बाद एक्स बनाए, वुडन एक्स दो बनाए, वुडन एक्स ताकि अगर एक टूटे तो दोबारा मुझे इधर ना आना पड़े। और फिर तलवार इसलिए बनाया था कि ज़ॉम्बीज आए तो उन्हें हम आसानी से मार सकें। तो फिर अपना चेस्ट आता है, फिर अपना चेस्ट बनाते हैं और चेस्ट में सामान रख कर देख सकते हैं कि रात भी हो गई है, तो अब सोने के टाइम है, तो जल्दी से हम सोते हैं अपना चेस्ट में सामान रख कर। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह हो चुकी है माइनक्राफ्ट में, और पहले तो अपना खाना खा लेते हैं सुबह का, क्योंकि मेरा हेल्थ भी जा चुका है, और फिर अपना काम पे लगते हैं। देखते हैं फर्स्ट घर, पहले तो हम ऐसे ही बनाएंगे बेस, और उस बेस से अपना अच्छा सा एक घर क्रिएट करेंगे। ये पार्ट वन है, और फिर पार्ट टू में घर बनाएंगे अच्छा सा, नहीं पार्ट टू में हम अपना घर नहीं, फार्म बनाएंगे फार्म, और क्योंकि फार्म बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। तो यही करेंगे, और मैं ऐसे ही जा रहा था इधर लकड़ियाँ ढूंढने, तो ये मुझे मिल गया हड्डी वाला, पता नहीं इसका क्या नाम है, और ये काफ़ी हेल्थ खा जाता है मेरा, और फिर उसके पास से हट जाता हूँ। और इधर आते ही एक मकड़ी आ जाती है जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो मेरे पे चेप हो जाती है, तो मैं भाग जाता हूँ इधर से और फाइनली इसको मार ही देता हूँ। और मैं पीछे घूमा और इसको कहता हूँ आ तू आ जा, और ये एक ही गई। तो कोई नहीं, हम अपना गेम पे ध्यान देते हैं और देखते हैं। पहले तो जल्दी से लकड़ियाँ काटते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम घर बनाएंगे। तो फाइनली गाइस, मैंने लकड़ियाँ काट ली हैं और फिर मैं इधर आता हूँ। आपको पीछे बताया था कि मैं
यहाँ पे नहीं, पहाड़ों के मतलब अंदर बनाता हूँ घर, और वो पहाड़ यहीं पे है। और फिर मैं अपना शिफ्टिंग करता हूँ, पहले जल्दी से ये क्राफ्टिंग टेबल और बेड चेस्ट उठा के जाता हूँ उस जगह पे, क्योंकि इधर उतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो जल्दी से जाता हूँ उधर। और वो पहाड़ है पीछे, यहाँ साइड में ही है, आपको जल्दी से जाके दिखाता हूँ। देखिए ये रहा वो पहाड़, अभी ये रहा जो आपको कोबाल्ट स्टोन दिख रहा होगा, ये रहा। तो इसी में अब मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उधर इतना अच्छा नहीं लगा, और अभी के लिए मुझे जल्दी से घर बनाना था ताकि मैं सेकंड पार्ट में आपको जल्दी से दे डाल पाऊँ। और पहले तो यहाँ पे मैं अपना बेड रखता हूँ, और फिर क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल। और इसके रखने के बाद मैं अपना घर बनाने पे लग जाता हूँ, घर बनाने में। तो पहले तो कोबाल्ट स्टोन जल्दी जल्दी से तोड़ने के लिए मुझे एक्स चाहिए, और वो मैं बना लेता हूँ और अपने काम पे लग जाता हूँ। तो जल्दी से ये तोड़ता हूँ मैं, तो जल्दी से अपना घर बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा घर बन के रेडी हो चुका है, और मैंने ये जो वुड फ्लैंक इसलिए लगाया था कि थोड़ा अच्छा दिख सके, मुझे कोबाल्ट स्टोन का उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नीचे और ऊपर दोनों जगह और साइड में को वुड फ्लैंक लगा दिया है। और अब मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल और बेड अंदर रख देता हूँ और चेस्ट। और गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम अपना वो फार्म बनाएंगे, और फार्म इसलिए बनाएंगे ताकि हमें खाने की दिक्कत ना हो। और फिलहाल के लिए तो इतना ही। तो आपको घर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है और आपको सेकंड पार्ट चाहिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और मैंने यहाँ सोचा कि ये खुला खुला ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों ना यहाँ गेट लगा दिया जाए, क्योंकि गेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्रीपर वीपर का डर रहता है, क्रीपर आके कभी मेरे घर में घुस जाए और मैं आऊँ तो फट जाए, तो मेहनत बेकार चला जाएगा। तो जल्दी से मैं गेट अपना बनाता हूँ और लगा देता हूँ। तो गेट लगने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैंने सोचा कि यहाँ दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होती है, बार बार उस पर टैप करो, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे वो प्रेशर प्लेट लगा दिया जाए, जो ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना दरवाज़ा। और मैं जाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल से अपना प्रेशर प्लेट बनाता हूँ। और सोच रहा हूँ कि जो अगली नेक्स्ट आएगी तो फार्म बनाने के लिए अपना वो पीछे जो है उस उधर बनाएंगे बड़ा फार्म, और पशु और पेट भी जैसे गाय बकरी तो नहीं है, भेड़ है, भेड़ को पालेंगे। तो जल्दी से मैं अपना प्रेशर प्लेट बनाता हूँ, चार प्रेशर प्लेट बनाता हूँ, क्योंकि दो आगे चाहिए और दो अंदर इसके लिए। तो और यहाँ लगा देता हूँ मैं। यहाँ लगाने के बाद अब ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन ये तो है कि ज़ॉम्बीज आके ऑटोमेटिक मतलब उस प्रेशर प्लेट पे आएंगे तो गेट खुल जाएगा और अंदर जाएंगे, लेकिन मेरे लिए सही हो गया कि मैं आऊँगा और जाऊँगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और काफ़ी हो भी चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट कल देखते हैं हम, और कल आ ही जाएगा नेक्स्ट पार्ट। तो ठीक है, बाय, टाटा।
टेक केयर।